नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। इस समय हम लोग मौजूद हैं गोला गोकरण नाथ के मोहल्ला केडिया फान पे। जानकारी से यह पता चला है कि मोहल्ले में एक कोरोना वायरस पेशेंट पाया गया है। जानकारी से यह भी पता चला है कि उनके लखनऊ स्थित घर पे टेस्ट हुआ, जिसके बाद वो गोला आ गए और यहाँ पे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो प्रशासनिक टीम आके उनको आइसोलेट करने की प्रक्रिया कर रही है। आइए उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स की टीम, उनसे हम बात करते हैं कि आगे से मोहल्ले में किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने होंगे, किस तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसी को लेकर डॉक्टर से बात करते हैं। जी सर, तो अब इस मोहल्ले में लोगों की स्कैनिंग किस प्रकार से होगी? जैसे यहाँ पे एक कोरोना है, तो अब यहाँ के लोगों के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? देखिए, अभी जो हम लोगों को सूचना मिली है कि एक केस पे पॉजिटिव आया है, तो हम अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे इसके आसपास के सारे एरिया में जी करीब 300 घर में हम सर्वे करेंगे जी, और घर घर जाके डोर टू डोर जब सर्वे होगा तो उसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ है या बुखार आ रहा है जी, सर्दी है या गले में खराश है, इस तरीके के जो व्यक्ति मिलेंगे उनको हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद हम उनका टेस्ट करवाएंगे जी, यदि इस तरीके की कोई समस्या है इस एरिया में तो हम उनका टेस्ट कराएंगे। अभी हमारे देख रहे होंगे सर्वे टीम ये जा रही है जी, तो ये पूरे मोहल्ले का सर्वे करेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मोहल्ले को सीज किया जाएगा, बिल्कुल वेरिकेटिंग की जाएगी, और लोगों को जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको प्रिकॉशंस जो भी हैं इसके बचाव के जी, वो प्रिकॉशंस हम लोग देंगे कि मोहल्ले के लोग अब क्या करेंगे जी। जैसे है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, यदि आवश्यक नहीं है तो, बहुत आवश्यक है तभी घर से लोग बाहर निकलेंगे, और जब भी बाहर निकलेंगे तो मुंह पे मास्क या जो भी अवेलेबल हो, अंगोछा या तौलिया जो भी है उसको लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलेंगे, अन्यथा की दशा में घर से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि केस यहाँ पे इस मोहल्ले में पॉजिटिव है और उसका जो है अभी सूचना भी जिले पे जा चुकी है, उसको एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही मुस्तैदी से अपना सर, जैसा कि ये है कि अगर किसी में कोरोना सिम्टम्स हैं या अगर उसमें उसका टेस्ट होता है तो उसको पहले से आइसोलेट कर दिया जाता है। सर, यहाँ पे जानकारी ये मिल रही है कि उनको टेस्ट हो चुका था, उसके बाद वो अपने लखनऊ से यहाँ तक उन्होंने ट्रैवल किया। हाँ। तो सर, यहाँ पे क्या प्रशासन से चूक हुई है कि वो ऐसा क्यों हुआ कि जब अगर उनका सिम्टम्स थे या उनका टेस्ट हुआ था तो उनको आइसोलेट होना चाहिए था? सर, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो सर यहाँ पे गलती किससे हुई, प्रशासन से या जो खुद सस्पेक्ट हैं उनके द्वारा यह गलती हुई है? मुझे तो मतलब हम लोगों को अभी जिसे सूचना मिली मतलब मोहल्ले के जी से फ़ोन गया जी कि मतलब इस तरीके से है, तो हम लोग आए जी, और आगे की मतलब उस किस तरीके से क्या हुआ है उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। यहाँ पर सर हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की। अगर आपको इसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए है गोला गोकरणनाथ की, तो हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहिए ज्ञानकोश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।